हेलो एवरीवन, टर्ट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए थर्ड पार्टी और आपको लेकर, आपके पर्सन के क्या विचार हैं, क्या एनर्जीज हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन अभी किस सिचुएशन में हैं, क्या उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और अगर है तो किस एनर्जी में है उस थर्ड पार्टी के साथ। और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको लेकर क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के और आप दोनों के बीच में जो भी अदर सिचुएशन है, उनके बीच में क्या चल रहा है। डेथ का कार्ड आया है गाइस, होप आपको नज़र आ रहा हो। इट्स अ डेथ कार्ड और साथ में हमारे पास मेजर अरकाना से है जस्टिस। दिख रहा है आपको? थोड़ा अंधेरा रखती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है अंधेरा रूम, तो आपको दिख जाए इतनी ही यहाँ पर मैंने लाइट लगाई है इस समय। आप कहेंगे तो मैं और रोशनी कर दूँगी, बिकॉज़ मैंने बंद कर रखे हैं। एंड थर्ड कार्ड इज़ चैरियट। तीन मेजर अरकाना, डेथ, जस्टिस, चैरियट। तो आपको एंजल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बॉटम से भी हमारे पास है गॉडेस ऑफ मून। तो देखिए, आपको एंजल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनका कुछ ना कुछ बुरा कर्म है जो वो भुगतान भोग रहे हैं उस थर्ड पार्टी में। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, उनका वर्क फील्ड हो, उनकी फैमिली हो, उनके लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी हो, या उनका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा हो, या कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हो, उनके साथ डेफिनेटली किसी तरह का कर्म बंधन जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन में अटके पड़े हैं। बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन इस सिचुएशन से खुद निकल जाना चाहते हैं, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। द चैरियट का कार्ड यही बता रहा आपको कि ये उस सिचुएशन से जल्द डिसीजन लेकर बाहर आ जाना चाहते हैं। न्याय की एनर्जी है, जो सही है उसका साथ देना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपकी राशि कैंसर है या आपके पर्सन की, वाइस वर्सा देखिएगा, पाइसेस है, अक्वेरियस है, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, इसके अलावा एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है। तो अगर ये आपकी या आपके पर्सन की मून साइन या असेंडेंट है, तो ये चीज़ें आपसे बहुत जल्दी रेजोनेट करने वाली हैं। ठीक, तो आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है थर्ड पार्टी में, और ये बहुत जल्द चाहते हैं कि ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए। ये खुद भी यही चाहते हैं, ये हैप्पी नहीं है। देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए अभी इस वक्त, आपके पर्सन की एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, कपल आ गया। तो यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं, तो बहुत सारे लोगों के मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मौजूद है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, आप दोनों में सेपरेशन है। बहुत सारे मैरिड कपल्स का यूनियन होने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है, बट वो खुश नहीं है उस सिचुएशन में, टॉक्सिक सिचुएशन में है, तो भी ऐसे लोगों के पर्सन आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं आने वाले समय में। बहुत सारे लोग ऐसे भी पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि या तो डिवोर्सी है या विडो विडोवर है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। या तो उनकी ये उनका कुछ फर्स्ट जो सिचुएशन है वो ब्रेक हो चुका है, फर्स्ट मैरिज ब्रेक हो चुकी है, या फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, ये आप उनके लाइफ में सेकंड हो, ऐसी एनर्जी है। ऐसे लोगों के पर्सन भी आपको प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं।
अगेन जस्टिस का कार्ड है, ये न्याय आपके साथ होने वाला है। सिंगल्स के लिए कोई मैसेज, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगर आप दोनों सिंगल हैं, आप दोनों के अभी तक शादी नहीं हुई है किसी के साथ, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, या कास्ट है, या कल्चर है, या आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, आपको प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी है, मतलब शादी को लेकर किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी में हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। कितना वेट करना पड़ सकता है मेरे व्यूवर्स को, कब तक आएंगे आपके पर्सन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को एंड करके आपके पर्सन कब तक आएंगे आपकी लाइफ में? मैंने आपसे कहा 7 नंबर चैरियट का आया था, और यहाँ से भी देखिए 7 नंबर आया है। आपके पर्सन अभी तो डिस्कनेक्ट होंगे आपसे, बात नहीं कर रहे होंगे, और हो सकता है कि शादी को भी पोस्टपोन कर रहे हों, कमिटमेंट को पोस्टपोन कर रहे हों, या यूनियन को पोस्टपोन कर रहे हों। बट 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों के लिए 7 वीक्स के अंदर या 7 डेज़ के अंदर ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी। क्योंकि मैं ये रीडिंग हर सैटरडे को करती हूँ, तो आप 7 डेज़ की एनर्जी को लेकर चलिए। 7 डेज़ के अंदर मैक्स टू मैक्स, और 25 आवर्स के अंदर मिनिमम ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर मैरिज की कमिटमेंट तो अभी थोड़ा समय लगेगा, बट हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैप्पी नहीं है, ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और आपके पर्सन अगर आपसे डिस्कनेक्ट हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, जस्टिस आपके साथ होगा। ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें, थैंक यू सो मच। और आने वाले समय में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।